इंडियन बाइक ड्राइविंग में आज हम जाने वाले चांद के ऊपर, बिकॉज आज रात चांद अर्थ के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन चांद पे जाना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज चांद बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी एक स्पेसशिप की। लेकिन ये स्पेसशिप अभी पूरा तैयार नहीं है, इसके हमें पार्ट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, प्लस हमें फ्यूल भी चाहिए काफी सारा, और साथ ही में बहुत सारी एनर्जी। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमें स्पेसशिप के इंजन को रिप्लेस करना होगा, तो हमें एक ब्रांड न्यू इंजन चाहिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे काफी सारे फोटोज भेजे हैं, वो सारे आइटम मुझे करने होंगे। ऑल राइट, यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख चुका है एक प्लेन, और मैं समझ गया भाई साहब, इस प्लेन के इंजन को हम डालने वाले स्पेसशिप के अंदर, जिससे हमारा स्पेसशिप काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट एयरपोर्ट पर और लेके आते हैं प्लेन को। बाकी गाइस, आप इस वीडियो को जल्दी से 3000 लाइक कर दो, ताकि मैं जल्दी से चांद के ऊपर पहुंच जाऊं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और फाइनली यहां पर मुझे प्लेन भी देखने को मिल चुका है। अब जल्दी से यार इसको चुरा के निकलते हैं यहां से, अगर किसी ने देखा तो भाई डेफिनेटली पुलिस पीछे पड़ जाएगी। अब यार इस प्लेन को हमें अच्छे से उड़ाना भी होगा, और सेफली अपने घर के पास लैंड भी करवाना है, बिकॉज अगर इसको जरा सा भी डैमेज हुआ ना भाई, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और भाई इस पूरे प्लेन को घुमा के लेके जाना है, पूरा टर्न करना है राइट में, और सेफली लैंड भी कराना है अपने घर के ऊपर, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई इंजन में कोई भी डैमेज आए, बिकॉज इंजन हमें एकदम सही सलामत चाहिए अपने स्पेसशिप में डालने के लिए। ऑलराइट, बस थोड़ा सा कंट्रोल, अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर ले ले भाई। बस यार प्लेन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, स्पीड स्लो करनी पड़ेगी मुझे, ताकि इजीली लैंड करा पाऊं मैं। ओके, बस थोड़ा सा टर्न कर भाई। अरे भाई सीधा नहीं हो रहा प्लेन, नहीं 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 नहीं, अरे यार अबे सीधा हो जा प्लीज यार, एयरपोर्ट में घुसेगा के जाके, ऊपर कर ऊपर कर, बहुत बढ़िया, आराम से थोड़ा सा और लेफ्ट, और थोड़ा सा लेफ्ट, बस इजी इजी, थोड़ा पंखा चलाना पड़ेगा इसका। भाई साहब अगर मैं सेफ लैंड नहीं हुआ तो मेरा इंजन तो गया पूरा। भाई अपना इंजन तो ऑफ हो चुका है, बस मुझे यहाँ पर हल्का सा ग्लाइड करके नीचे लेके जाना है इजीली भाई, बस। ओके, ओ भाई लैंड, स्टॉप का स्टॉप का स्टॉप, अबे क्या कर रहा है यार, ओ भाई बच गया। ओके गाइस, अपने स्पेसशिप के अंदर यहाँ पर प्लेन का इंजन लग चुका है, लेकिन इसको चलाने के लिए फ्यूल प्लस एनर्जी भी तो चाहिए, और साथ ही में इस स्पेसशिप को उड़ाने के लिए यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट वाले पार्ट की भी कमी है, तो वो भी पूरी करनी पड़ेगी यार। ओके गाइस, हमें यहाँ पर स्पेसशिप के लिए फ्यूल प्लस यहाँ पर कुछ पार्ट चाहिए, तो अगला आइटम देखते हैं कौन सा है। ओके, ये तो सुपरा है, और जहां तक मुझे लगता है भाई ये अपने शोरूम के अंदर खड़ी है, मतलब यार शोरूम से चुरा के लाना पड़ेगा इसको। चलो गाइस कोई बात नहीं, अपने को चांद पे भी तो जाना है। अब गाइस ये जो प्लेन, अबे ये क्या हुआ गाइस, ये देखो यहाँ पर पूरा कबाड़ हो चुका है, इसका इंजन विंजन सब निकाल लिया है बाहर, लेकिन इसके अंदर जो बचे फुचे पार्ट्स है उसकी मदद से हम इसको उड़ा सकते हैं अभी भी, लेकिन इसको लैंड नहीं करा सकते, बिकॉज ये क्रैश होगा सीधा, तो हमें यहाँ पर चलती हुई प्लेन से जंप करना पड़ेगा। और देखो अभी पूरा जमीन के अंदर घुस चुका है भाई ये, बस यार थोड़ा सा आगे खिसका के यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लूंगा मैं, ताकि भाई ये बाहर निकल के उड़ने लग जाए। ओके, ओ भाई साहब अपना प्लेन उड़ चुका है, अब चलते हैं फटाफट से शोरूम के पास, और यहाँ पर चलती हुई प्लेन से हमें जंप करना पड़ेगा। ओके गाइस, शोरूम अब एकदम सामने है, बस थोड़ा सा पास जाके यहाँ पर चलती हुई हमें जंप करेंगे। 1 2 3 लेट्स गो। भाई ये क्या हुआ, प्लेन हवा में रुक गया है। अरे यार मैं ना मर जाऊँ, यहाँ पर इन्फिनिट हेल्थ नहीं लगाई थी मैंने, बच गया भाई। इसकी टांग को क्या हुआ, अरे बाप रे लंगड़ा तो नहीं हो गया, नहीं नहीं सही हो गया है तो वापस। ऑलराइट गाइस, शोरूम के अंदर अपने को सुपरा मिल चुकी है, अब जल्दी से इसको लेके चलते हैं स्पेसशिप के पास में। अब गाइस मेरे दोस्त ने सुपरा लाने के लिए ही क्यों बोला, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार है, इसके जितने भी पार्ट है ना सारे के सारे स्पेसशिप के अंदर वो लगाने वाला है, और इसका जितना भी फ्यूल है ना वो भी यूज होने वाला है। और फाइनली गाइस यहां पर अपनी सुपरा भी आ चुकी है स्पेसशिप के पास में। चलो यहां पर अपने दोस्त को बोलते हैं जल्दी से सारे पार्ट्स वगैरह लगा दे। ओके, उसने काम चालू कर दिया है, और यहां पर ओके उसने लेफ्ट वाला पार्ट लगा दिया है। गाइस यार उसने बोला कि एक और सुपरा चाहिए राइट वाले पार्ट लगाने के लिए। अरे यार यहाँ पर एक और सुपरा लानी पड़ेगी, और ये सुपरा भाई कहाँ पर है। ओके मैं समझ गया, ये कलरफुल बिल्डिंग के बैक साइड में है। ओए चल अपनी कार से उतर फटाफट से, काम जा रहा है मुझे अर्जेंट, निकल यहाँ से, आ जाते हैं मेरे सामने कार चलाने के लिए। गाइस ये काम मुझे फटाफट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक बार अंधेरा हो गया और चांद आकर चला गया ना, उसके बाद भाई अगले दिन चांद बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा अपने से, तो सारा काम हमें फटाफट से निपटाना होगा। अब अगली कार यहाँ पर मिलने वाली है हमें सामने वाली बिल्डिंग में, वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है जिसमें से मैंने प्लेन को निकाला था। बट गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ना इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं। आइडिया गाइस, यहाँ पर अपन है ना बिल्डिंग के नीचे कार को खड़ी कर देते हैं, और कार के ऊपर जंप करके हम बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकते हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलो यहाँ पर पहले कार के ऊपर जंप करते हैं। ओके थोड़ा हाइट तो हो गई है, और सामने दीवार पे मैं जा सकता हूँ या नहीं। अरे यार ये नहीं जाएगा यार, एक काम करता हूँ जंपिंग शूज को ऑर्डर करता हूँ, तो यार जंपिंग शूज आएंगे 1215 में। ओके मैंने कॉल कर दिया है, ओके डिलीवर हो चुके हैं, चलो फटाफट से जंप करते हैं। और भाई
मैंने इसका गलत यूज कर लिया यार, ऐसा नहीं करना था। चलो इस बार थोड़ा नजदीक से जंप करते हैं, इजीली जंप हो जानी चाहिए बस। प्लीज प्लीज नीचे मत गिरना इस बार, टकराना मत ऊपर। ओके भाई इस बार ऊपर गिर गया मैं, चलो ठीक है। अबे जल्दी उठ जा यार, सुपरा लेके निकलना है भाई। कितना धीरे धीरे, बहुत ढीला है भाई ये, बहुत ढीला है। हो रही गाइस अपनी सुपरा जल्दी से लेके निकलते हैं यहाँ से। चलो गाइस अपनी सुपरा रेडी और जल्दी से जंप करवाते हैं, बस थोड़ा सा डैमेज ना हो जाए प्लीज। अबे यार डैमेज हो गई यार, मेरा दोस्त बस नाराज ना हो जाए यार इसको देखकर। ओ भाई बोनेट गया इसका, इसका बोनेट गया भाई, खत्म है भाई इसका खेल। बस यार वो नाराज ना हो जाए, और कुछ भी चाहिए। चलो भाई यहाँ पर अपन सुपरा भी लेके आ चुके हैं फाइनली। ओके यहाँ पर उसने काम चालू कर दिया है फिर से, और फाइनली उसने दूसरा बॉडी पार्ट भी लगा दिया है भाई। अपनी स्पेसशिप रेडी है गाइज। मेरा दोस्त बोल रहा है कि अभी बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और उसने मुझे एक और फोटो भेजी है भाई। ओके ये तो ट्रॉन बाइक की फोटो है, और इसके पीछे मुझे शायद पेट्रोल पंप दिख रहा है। चलो भाई लोकेशन तो पता चल चुकी है भाई। ड्रोन बाइक के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि भाई वो स्पेसशिप को उड़ा सकती है। वैसे भी यार ड्रोन बाइक के अंदर एनी टाइम लाइट जलती रहती है, बहुत ही अजीब सी बाइक है, पता नहीं कैसे। हो सकता है कोई दूसरी दुनिया की पावर हो उस बाइक के अंदर, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। जो भी होगा अपना काम है ड्रोन बाइक को लाके अपने दोस्त को देना, फटाफट से लेके आते हैं। ओके बाइक को धीमा कर भाई, सामने चुराया है। अबे यार भाई अभी घुस जाता है इसके अंदर। चलो भाई लोकेशन तो मुझे पता चल चुकी है भाई, आई थिंक यही वाली होनी चाहिए। पीछे से पेट्रोल पंप भी दिख रहा था। प्लीज यार यहाँ पे बाइक नहीं मिली। ओके वो पड़ी वहाँ पर बाइक, क्या बात है यार, एक ही बार में अपना काम हो चुका है। फटाफट से लेके चलते हैं घर पे भाई। ये बाइक देखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर लाइट जल रही है भाई। दिन का इतना उजाला है फिर भी इसकी लाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि भाई डे लाइट में भी दिख रही है। पता नहीं यार इसके अंदर कौन सी पावर है, और मेरा दोस्त इसके अंदर से एनर्जी को कैसे स्पेसशिप के अंदर डालेगा। जो भी होगा इस फटाफट से चल के उसको देते हैं बाइक। ओके आ चुका अपना घर, और फटाफट से ट्रॉन बाइक भी देके आते हैं उसको फटाफट। अरे यार गाइस वो बोल रहा है कि एक और ट्रॉन बाइक चाहिए, एक और फोटो भेजी उसने, अब पता नहीं कहाँ पर होगी यार फिर से। ओके भाई ये तो बहुत ही इजी लोकेशन है यार, ये तो विलेज एरिया लग रहा है मुझे। फटाफट चलते हैं विलेज में, और ये बाइक भी लेके आते हैं। ए चल निकल बाहर यार, ये मेरे सामने क्यों आ जाते हैं भाई? इनको पता है क्या कि भाई मैं अर्जेंट काम जा रहा हूँ, और मार खाने के लिए हमेशा सामने आ जाते हैं, पता नहीं क्यों यार। जब से मैंने घर चेंज किया ना भाई ये विलेज। अबे एक्सीडेंट, अबे यार मेरी कार क्या थी? वैसे मेरी कार नहीं थी ये, वाट लगी तो लगी, लेकिन विलेज कहाँ पर है भाई? विलेज अभी तक स्पॉन भी नहीं हुआ है। ओके एक पेड़ स्पॉन हो, ओ भाई धीरे धीरे करके सारे घर स्पॉन हो चुके हैं, लेकिन वो बाइक कहाँ पर थी? आई थिंक यहाँ पर दूसरी साइड में थी, अंदर घुसना पड़ेगा यार। तो गाइस काफी ढूंढने के बाद फाइनली यहाँ पर ट्रोन बाइक एक और ट्रोन बाइक मिल चुकी है। अब इसको भी फटाफट से लेके चलते हैं स्पेसशिप के पास, और आई थिंक अब अपना काम फाइनली डन हो चुका है। अब यार उसने कोई भी आइटम मंगाया ना मैं दिमाग खराब हो जाएगा भाई, इतने आइटम उसको लाके दिए ना भाई, अब तो मुझे स्पेसशिप चलानी है किसी भी तरह भाई। सुबह से घूम रहा हूँ इधर उधर इधर उधर भाई, रात होने को आई है, अब तो फटाफट से चलना पड़ेगा और स्पेसशिप उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। और ये आ चुकी है अपनी दूसरी ट्रोन बाइक, तो दोनों ट्रोन बाइक मैंने इसको लाके दे दिए। अब भाई इसकी एनर्जी चूस के डाल दे फटाफट से भाई स्पेसशिप के अंदर। ओहो भाई साहब अपनी स्पेसशिप तैयार हो चुकी है फाइनली। भाई साहब किस तरीके से ये हवा में उड़ रही है भाई, अब मजा आने वाला है, बस रात होने का वेट है। भाई साहब रात हो चुकी है गाइस, लेकिन मैं स्पेसशिप को लेकर इतना ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ आप सोच भी नहीं सकते हो। अब मेरे सामने है सिर्फ और सिर्फ चांद, और मेरे पास है तीन कंट्रोल, ये ऊपर जाने के लिए, ये लेफ्ट एंड राइट, एंड ये आगे और पीछे। तो मुझे यहाँ पर स्पेसशिप को बस आगे लेके जाना है। 1 2 3 लेट्स गो भाई, क्या स्पीड थी, देखो गाइस आपने, बहुत स्पीड में आगे गया हूँ मैं। गाइस ये चांद देखो मेरे स्पेसशिप से कितना ज्यादा बड़ा है भाई साहब। अब यार अगर मैं इस चांद के ऊपर लैंड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को मिल सकता है, क्रिएचर वगैरह कोई भी खतरनाक चीज। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चांद के ऊपर लैंड करूँ तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।